एक समय ऐसा था यहाँ हड़ताल करना पड़ा इंदिरा पार्क के पास कि हमें पावर हॉलिडे एक हफ्ते में दो दिन जो झेलने पड़ते थे उसको उससे हमें राहत दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ा तो ज़्यादा दाम पे भी आप पावर दीजिए करके हड़ताल करने का एक माहौल था। उससे लेके आज 4 साल बाद अगर आप देखेंगे, और बहुत सारे अफवाहें भी थे जब TRS की गवर्नमेंट आई थी हैदराबाद में और तेलंगाना में, बहुत सारे अफवाहें थे कि कैसा रहेगा इनका दौर, क्या करेंगे, क्या होगा हैदराबाद में, और ख़ास जो नॉन तेलंगाना करके जो बोला जाता है उनके बारे में TRS का रवैया कैसा रहेगा, इस बारे में बहुत सारे अफवाहें थे। बट आज 4 साल के बाद आपको देखने को मिलता है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि आज आपके अनुभव में TRS की गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कैसा काम किया, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो, बिजनेसमैन के लिए हो, चाहे वो आम आदमी के लिए हो, किसान के लिए हो, कैसा काम किया गया और कैसा इम्प्रूवमेंट, कैसा विकास आपको देखने को मिला 4 साल आपके अनुभव में। तो मैं इससे ज़्यादा उस बारे में नहीं बोलूँगा, पर एक बात ज़रूर कहूँगा, जो गिरीश सांगी जी ने कहा कि हमारे लोकल बिजनेसमैन को आप बढ़ावा दें, लोकल बिजनेसमैन को आप एंकरेज करें, इस बात पे मैं पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि आज तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है पूरे देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जाना जाता है। हमने नए बेंचमार्क सेट किया, TSI Pass के ज़रिए हमने नए बेंचमार्क सेट किया, इतना बढ़िया पॉलिसी निकला TSI Pass जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरेंस की ज़रूरत भी नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट्री बनाना है, आपका ज़मीन है, आपको गवर्नमेंट की परमिशन तक जरूरी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप Day 1 आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो। और साथ ही साथ क्योंकि रेगुलेटरी पर्पस के लिए हमें जानकारी चाहिए होता है कि कौन यहाँ पे हमारे राज्य में व्यापार कर रहे हैं, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि आप 15 दिन के अंदर हमें एक ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दें। जब आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन मिलेगी, हम वादा करते हैं TSI Pass के ज़रिए, जो कि एक एक्ट है, जो कि लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून है, जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि आपको 15 दिन के अंदर सारे के सारे क्लियरेंस दिए जाएंगे। आप पूछ सकते हो, ये तो हमने बहुत बार सुना है, सिंगल विंडो 15 दिन, 16 दिन, 21 दिन है, तो बहुत बार सुना हमने, क्या फ़र्क है तेलंगाना में और इन सब में, जो जिसकी हमें जानकारी है। मैं आपको बस यही कहता हूँ कि कानूनी तौर पे जो TSI Pass कानून है, कानूनी तौर पे तेलंगाना में अगर 15 दिन में आपको क्लियरेंस नहीं मिलता है, 16वां दिन से हम उस अधिकारी को जो ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल, अगर आपको क्लियरेंस नहीं मिलता है, ये मान के चलिए 1 मिनट के लिए क्लियरेंस नहीं मिलता है, जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम हर दिन 1,000 रुपये का पेनल्टी और फाइन हर दिन डालते हैं। ये आपको कहीं और देश में, गुजरात में भी नहीं मिलेगा सुनने को आपको, अमित भाई भी आ रहे हैं पता है मुझे, इसलिए कह रहा हूँ, गुजरात में भी नहीं मिलेगा आपको सुनने को। एक और बात भी आपको कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सच है कि ये ख्वाब है, ऐसे ही बस सुनाया जा रहा है, बात यह है कि पिछले 3 सालों में जब से TSI Pass आई है, हमारे यहाँ 7,000 से ज़्यादा हमने क्लियरेंस दिया है, 1,50,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट हासिल किया है, 5 लाख से ज़्यादा हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमने बनाने की एक सुविधा हमने यहाँ पे प्रयास हमने किया है, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो उससे दुगना होता है, आपको पता ही है। तो जो भी हमसे हो सकता था हमने किया, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इसलिए आज तेलंगाना नंबर 1 स्थान पर है। अभी हमारी फोकस जो है, अगर आप फिर से आशीर्वाद देंगे और सरकार चलाने का और राज चलाने का फिर एक मौका देंगे, तो इस बार हमारी प्रयास होगी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, क्वालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को लोअर करें और क्वालिटी ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, ये हमारी दृष्टि, उस पर हम लोग पूरी तरह से दृष्टि रखे हैं। और इसके अलावा मैं फिर से एक और बार आपको आश्वासन देता हूँ कि लोकल एंटरप्रेन्योर जो हैं, आज हम तो रेड कारपेट बिछा के हर किसी को इन्वाइट करते हैं पूरे दुनिया से, जहाँ कहीं भी एंटरप्रेन्योर हो, जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, क्योंकि मोदी साहब कहते हैं मेक इन इंडिया, वो ये थोड़ी कहते हैं कि मेक इन गुजरात, मेक इन महाराष्ट्र, बोलते हैं मेक इन इंडिया, तो हम भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बोल रहे हैं भाई मेक इन इंडिया तो है ही, बट इंडिया में जो प्रोग्रेसिव स्टेट है उसमें तेलंगाना अव्वल दर्जे पे है, तो आप तेलंगाना आइए, मेक इन तेलंगाना कीजिए करके हम पूरा दुनिया से आज यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को हम यहाँ इन्वाइट कर रहे हैं। तो जब पूरा दुनिया के लिए हम रेड कारपेट बिछाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जो लोकल भाई हैं, लोकल बिजनेसमैन हैं, खास जो लोकल वॉयस कम्युनिटी के यहाँ पे पॉलिसी ड्राफ्ट करें जिसके तहत हमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स, ताकि वो कॉम्पिटिटिव रहे। जैसा गिरीश भाई ने कहा, कॉम्पिटिटिवनेस लोकल एंटरप्रेन्योर्स में अगर
ग्लोबल स्केल पे जो लोग आते हैं, बड़े बड़े डीप पॉकेटेड बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके साथ अगर कम्पीट करना हो तो कुछ खास मदद अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिले तो बहुत बढ़िया होगा। तो मैं ए के गोयल साहब जो हमारे गवर्नमेंट के एडवाइज़र भी हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप थोड़ा इस बारे में प्रयास करें और पॉलिसी इनपुट दें ताकि हम लोग एक अच्छा पॉलिसी भी निकालें और देश के लिए फिर एक रोल मॉडल बने। और गिरीश भाई ने एक और कागज़ भी मुझे दिया, उसमें कहा कि वैश भवन के लिए आप जगह दीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ गिरीश भाई, हम केयर टेकर गवर्नमेंट है अभी, मैं कुछ भी बोलूँ मुझ पर केस लग जाएगा, आपको तो पता है इलेक्शन कोड है। अगर आप कहेंगे आपकी आशीर्वाद होगी तो ज़रूर जीत के आएंगे, पक्का है। पर मैं आपको आश्वासन देता हूँ प्रोसेस में है, ऑलरेडी प्रोसेस में है। वैश समाज की तरफ से एक विनती ऑलरेडी KCR साहब के पास है, वो फाइल भी प्रोसेस में है। मैं इससे ज़्यादा अगर कहूँगा तो कांग्रेस के हमारे मित्र जो है कल केस डाल देंगे, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर आश्वासन आपको देता हूँ कि ज़रूर जीत के आएंगे आपकी मदद से, और ज़रूर वो काम भी करके आपको फिर अगली अग्रसेन महाराज जयंती में ज़रूर मिलेंगे आपसे। और मैं फिर से एक बार गिरीश साहब का मैं पर्सनल लेवल पे धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 2001 में जब TRS की घटन हुई, तेलंगाना राज्य की आंदोलन जब शुरू हुई KCR साहब की लीडरशिप में, तो एक वार्ता ही ऐसी पेपर थी जिन्होंने पूरी तरह से हमारी मदद दिया। तो गिरीश सांगी साहब का मैं खास धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सबका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना।